लक्ष्य कोचिंग क्लासेज 12वीं के बाद नए बैच जून 2022 से शुरू। हेलो नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए महिला महासचिव INLD की तरफ से सुनैना सिंह चौटाला। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा, इतनी बड़ी धमाकेदार जीत INLD ने अपने गढ़ में फिर से कामयाबी हासिल की है। देखिए, ये इंडियन नेशनल लोकदल के साथ साथ डबवाली की जनता की जीत है और डबवाली की जनता ने ईमानदारी का तमाचा भ्रष्टाचार के मुंह पे मार दिया। मैंने आपसे इंटरव्यू में बोला था पैसे बहुत बांट रहे हैं लेकिन जीतेगी ईमानदारी। किसको श्रेय देंगे जीत का? डबवाली की जनता को, टेकचंद जी छाबड़ा की ईमानदारी। आपको लगता है की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे, कांग्रेस ने भी लगाए, लेकिन जनता दिल से छाबड़ा के साथ? जी बिल्कुल, ईमानदारी के साथ ही। हमने कोई पैसा, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं आराम का कि हम बांट सके। जनता ने यही कहा, जनता ने अपना जो मैंडेट दिया है हमारे लिए वो जरूरी है, हम जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ये वायदा करते हैं। मैडम, क्या बड़ी डवाली के अंदर जो सड़कें, जो उसका सौंदर्यकरण, और सबसे बड़ी चीज़, हम एक चीज़ के बारे में जरूर संज्ञान लेंगे, हम डवाली को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक प्रपोजल लेके जाएंगे। कैसे देखते हैं JJP की तरफ से भी इतने बड़े स्टार प्रचारक उनके यहाँ पर पहुँचे, बहुत बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन फिर भी JJP BJP अपना सीट नहीं बचा पाई? देखिए, लोगों का जहां तक शुरू से मन था, लोगों ने यही कहा था कि हम ईमानदारी के साथ जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले भी अपने आप को साबित किया है, आगे भी साबित करेंगे। हम अपने कार्य के आधार पे पीछे भी वोट मांगे, कार्य के आधार पे आगे वोट मांगेंगे, और किसी पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। उनके काम भी जनता सब अपना नोटिस करती है, जो काम करेगा वो यहाँ से जीतेगा। अब जब अभय सिंह चौटाला आए थे तो उन्होंने कहा था कि सबकी जमानत जब्त करवाएंगे और हमारी प्राथमिकता डवाली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की है, तहसील से लेकर जितने भी काम नहीं होते। बिल्कुल, तो बिल्कुल अभय सिंह जी चौटाला ने हमेशा खुद, वो सच्चे इंसान है अभय सिंह जी चौटाला, पूरी ना केवल हरियाणा, पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े मिलते हैं। डवाली की जनता के साथ भी वो न्याय करेंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। अभी जीत से गदगद INLD, आगे का कार्यक्रम क्या है? अभी यहाँ से हम लड्डू आ रखे हैं ऑफिस में, वहाँ से लड्डू बांटेंगे और पूरे शहर का धन्यवाद करेंगे। क्या ऑर्डर मैडम, रात से हो गया था? नहीं, ऑर्डर मैंने अभी सुबह ही मंगाया लड्डू। अच्छा। क्योंकि देखो, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम जनता के फैसले का आराम से इंतजार करते हैं। हमने इंतजार किया, तीसरे राउंड के बाद हमने लड्डू मंगा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे पहला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर INLD ने अपने घर में बड़ी सेल लगाते हुए इस बार तमाम जो समीकरण जो बदलने का काम किया है, जहां पर ये मुकाबला इस बार वाकई पहले से टफ लग रहा था, लेकिन जिसको तमाम तरीके से कांग्रेस इसको इस बार अपना मानकर चल रही थी, लेकिन INLD ने तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है और टेकचंद छाबड़ा ने यहां से 2000 से भी ज़्यादा मतों के साथ एक रिकॉर्ड जीत हासिल की है।